देखो आज का दिन इतना ख़राब था। सबसे पहले मेरी बाइक का टायर पंचर हुआ, फिर साथ में मैं एक बार बाइक से उतरा था जब, उसके बाद वापस बैठा तो ये पैंट मेरी यहाँ से फट गई। तो उसके बाद मैं कहीं उतरा नहीं, और गांव भी मैं ऐसे रास्ते आया जहाँ से मेरे को कोई देख ना पाए। क्या मैंने बैग आगे से लटकाया हुआ था, ये पोर्शन दिखाई नहीं देता। अब ये पैंट गिफ्टेड था और राइडिंग में मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता था, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा दर्द तो हुआ, लेकिन अब यार आज रिजेक्ट हो गया। साथ में माइक अडेप्टर ने बहुत बार धोखा दिया है, ये पता नहीं वर्क नहीं कर रहा। तो मुझको जो अभी मैंने जो ब्लॉग बनाया उसके लिए मेरे को रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वर्क ही नहीं कर रहा। मैंने जब वीडियो देखा तो अपना, तो उसमें आवाज़ साउंड बिल्कुल नहीं आ रही। फिर मैंने कहा कि इसमें बोया का इस माइक्रोफोन लगाया था, मैंने कहा कि ऑन ऑफ वाला चक्कर तो नहीं है, लेकिन वो नहीं था। तो इसने शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, अभी शायद वारंटी में होता है नहीं होता, लेकिन मुझे खरीदे हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अभी देखते हैं साइट पे, तब पता चलेगा। ये हेलो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। फिलहाल मैं हूँ रुद्रपुर में और मॉर्निंग के बजे हुए हैं 7, और जो आज की राइड है वो है मेरी होम राइड, क्योंकि थोड़ा कुछ काम है अर्जेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या काम अर्जेंट है। फिलहाल मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं अपने आज ग्लव्स लाना भूल गया हूँ, और विदाउट ग्लव्स मेरे को जो राइडिंग होती है बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होती है। अब लेकिन जो भूल गए तो भूल गए, क्योंकि मैं यहाँ से बैक जाऊँगा 2-3 किलोमीटर, तो फिर मेरा टाइम ख़राब होगा, इसलिए मैं दोबारा बाहर नहीं जाना चाहता। और जो मेरा कारण है आज घर जाने का, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड भी है और कोरोना भी साथ में चल रहा है, तो मुझे कुछ मेडिसन्स हैं मेरे पेरेंट्स की जो मुझे लेके जानी है उनके पास। 2-3 महीने की मैं मेडिसिन लेके जा रहा हूँ, ताकि उनको किसी से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े, या कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उनको 2-3 महीने का मतलब थोड़ा आराम हो जाए। तो देखते हैं आज का सफ़र। सामने बादल छाए हुए, जैसे आप मुखानी चौराहे से बाईपास वाली रोड पर आते हैं जो ढूंगा ढूंगा होते हुए कारडुराम में डायरेक्ट निकलती है, ये वाला व्यू मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी रास्ते हमेशा ज़्यादातर आता हूँ, सुस्ता चौराहे से पीछे कट होके मुखानी चौराहे की ओर आके और सीधे ढूंगा ढूंगा। तो यहाँ से जो रास्ता ये जो है, यहाँ से जो पहाड़ दिखाई देता है आपको सामने, वो उसका व्यू और उसके ऊपर जो छाए हुए क्लाउड्स हैं वो अभी देखिए आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और यहाँ से मेरे को राइट टर्न करके सीधे मैं निकल जाऊँगा नेताल रोड पे, सामने मेरे को नेताल रोड मिल जाएगी। और यहाँ से अभी जो डिस्टेंस है मेरे होम की, वह है करीब अभी 110 किलोमीटर। और तो 110 किलोमीटर जो सफ़र पूरा करना है, अभी मॉर्निंग के बजे हैं 8:30, क्योंकि मुझे कुछ गांव वालों की और मेडिसिन खरीदनी पड़ी, क्योंकि लोग का फ़ोन आ गया था। फिर मैंने कहा चलो यार सबकी दवाइयाँ लेके चलो, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है और अभी सब लोग की हेल्प करना काफ़ी ज़रूरी है। तो कुछ शुगर के पेशेंट थे, कुछ अलग 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 पेशेंट गांव में, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अलग अलग टाइम के पेशेंट हैं। तो मैं उस चक्कर में सबकी मेडिसिन खरीद के लेके आया हूँ। फिलहाल मैं हूँ काडूधाम में, और यह है काडूधाम का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से स्टार्ट होती है कुमाऊँ की यात्रा। इतनी बड़ी कील निकली है टायर से, ऐसे बोलते जैसी है। जोलीकोट पहुंचा, गाय का टायर पंचर, ऊपर बारिश स्टार्ट। और पहाड़ों में इसी मौसम का ही मजा है मानसून के टाइम में।
अभी देखिए बहुत ज़्यादा घना कोहरा है, थोड़ी बारिश रुक गई थी तो मैं वहाँ से निकल गया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि अभी बारिश हो सकता कि और हो, क्योंकि इतना ज़्यादा घना कोहरा है, आप देख रहे हैं चारों कोहरा छाया हुआ है, आसमान में क्लाउड है, लेकिन अभी रेन नहीं हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। पता नहीं आज किस्मत साथ देगी या नहीं देगी, क्योंकि पहले बाइक का टायर पंचर हो गया और उस पंचर को बनाने के लिए मुझे 15 किलोमीटर राइड करनी पड़ी वापस, क्योंकि गेठिया के आसपास वो टायर पंचर हुआ था। उसके बाद कहीं मैकेनिक मिला नहीं तो मुझे जाना पड़ा वापस जोलीकोट, जिसके बाद टायर में लग गया हल्का सा कट और मौसम है ख़राब बहुत ज़्यादा। और लेकिन इसमें बाइक राइड करने का मज़ा काफ़ी है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को, क्योंकि काफ़ी ठंडा है मौसम और हल्दानी से गर्मी से निजात मिल गया। और फिलहाल मैं हूँ अभी कैची धाम में, और देखिए लॉकडाउन की वजह से पूरा मार्केट में सन्नाटा है और बहुत कम लोग आए हुए हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, और ऊपर जो आसमान दिखाया जा रहा है ब्लू, बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। घर को आ सकते तो मैंने रजिस्ट्रेशन तो अपना ऑनलाइन कराया हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ज़रूरी था। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया क्योंकि कोई बोले थे कि अभी तुम नहीं, मुझे US नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और से इंटर करना था अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। लोग बोले थे कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी चेकिंग चल रही है पुलिस वालों की, तो उसकी वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था ताकि मेरे को कोई रास्ते में रोके ना, अगर कोई रोके तो मैं उनको रजिस्ट्रेशन के पेपर दिखाऊँ। फिलहाल यहाँ पे कहीं पे चेकिंग हो रही है ऐसा कुछ मुझे पीछे पता चला था, तो यहाँ पे जो बैरियर लगे हुए हैं यहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही है और साथ में कर रहे हैं मेडिकल हेल्थ चेकअप। उन्होंने मुझे रोका नहीं तो उसकी वजह से मैं सीधे राइड करते हुए लगा। ज़्यादातर अमूमन वो रोक रहे हैं उन गाड़ियों को जो आ रहे हैं फोर व्हीलर में, जो लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा रोक रहे हैं जो जितनी गाड़ी टैक्सी वाली है। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ रानीखेत। अगर मैं स्टेट चला तो रानीखेत की मार्केट इसकी बताती थोड़ा। मैं पूरे रास्ते पर यह दिखता है कि हर जगह कोरोना की वजह से ज़्यादातर शॉप बंद है, कुछ कुछ दुकानें खुली हुई हैं। मैंने देखा कि भवाली में भी बहुत कम दुकानें खुली हुई थी और साथ में गर्म पानी में भी बहुत कम दुकानें खुली हुई थी, तो मैं सोचा कि क्यों ना रानीखेत के हाल जाने जाएँ कि इस कोरोना वायरस के टाइम पर रानीखेत की मार्केट का हाल क्या है। तो इसलिए मैंने जो किया, मैंने बाईपास छोड़ के रानीखेत की मार्केट में एंटर होने का फैसला किया। अभी आप देख रहे हैं रानीखेत इतना खूबसूरत है, सामने पूरे क्लाउड्स हैं आसमान में और पूरा ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है। इससे अच्छा व्यू आपको पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलेगा जैसा रानीखेत का है, क्योंकि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरती फैली हुई है। लेकिन मार्केट देख के आपको ऐसा नहीं लगता, सारी अमूमन सारी दुकानें खुली हुई हैं और मार्केट में जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई रूल नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपस में ऐसे चल रहे हैं और मार्केट में भीड़ काफ़ी है। तो यहाँ पर जो है कोरोना इफेक्ट है जो रानीखेत में अभी है नहीं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग भीड़ भाड़ है, क्योंकि अभी टाइम है जो है वो लंच का टाइम है 1 बजे रखे दिन के, और अभी सभी लोग अमूमन लंच कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रानीखेत की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और पूरी मार्केट ओपन है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कुमाऊं के सोमनाथ ग्राउंड में। यहाँ पे लिखा हुआ माई नेशन माई फ्लैग, ये पूरा कैंट एरिया है। मैं वैसे इसका वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा आर्मी वालों को अपनी ओर से एक सैल्यूट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं द्वाराहाट से, मतलब मेरा होम टाउन है, और करीब मैं अभी 5 किलोमीटर पहले हूं। मैं आपको दिखाना चाहता था यहां का जो खूबसूरत इंजीनियरिंग कॉलेज है,
इसलिए मैंने ये हर छोटी सी क्लिप बना के डाल दी। ये विपिन चंद त्रिपाठी जो हमारे गांव के ही हैं, उनके नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज है और इस एरिया का जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत है। ये लगता है कि एक मतलब बहुत बड़ा बुग्याल टाइप का होता है। अभी थोड़ी बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा थोड़े मतलब छींटे पड़ने लगे, लेकिन आसमान सामने खुला हुआ है और बहुत तेज़ बारिश हुई थी ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी क्या है कि बूंदाबांदी इतनी हुई कि अभी पूरे कैमरे में भी आपको डॉपलर्स मेरे दिखाई दे रहे होंगे। और फिलहाल हमें मंदिरों के शहर द्वाराहाट जो जाना जाता है, उत्तराखंड का मंदिरों का शहर, जहाँ पर 352 मंदिर हैं और 352 नौले हैं। ये यही एक एरिया है जिसे पहले पुराणों में द्वारिका कहा गया। द्वारिका इसका नाम इसलिए भी पड़ गया क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कोई कहानी है कि दो नदियों का संगम होने वाला था और उसके बाद इसे द्वारिका की उपाधि देनी थी। लेकिन अभी बात यह है कि वो बन नहीं पाया और यहाँ पर करीब 10 शताब्दी के बने हुए मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े, ऐसे ही 352 मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का शहर द्वाराहाट कहा गया। तो द्वाराहाट में फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं और अब इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा अपने गांव, वो भी ट्रक करके, क्योंकि मेरे गांव में बाइक नहीं जा सकती है। तो मुझे अपने कहीं बाइक खड़ी करनी पड़ेगी रोड के साइड में या किसी की शॉप के आसपास, ताकि वहाँ से मैं राइड करूँ अपने गांव को। ये पूरी द्वाराहाट की मार्केट है जहाँ पूरी सुनसानी छाई हुई है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन का पालन यहाँ पे किया था क्योंकि बहुत कम लोग दिखा दे रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी शॉप यहाँ पे बंद हैं, ज़्यादातर शॉप मुझे यहाँ पर बंद दिखाई दे रही हैं। तो पूरा यह है गांव का वे जिस पर ट्रैक करके जाना है, वो उधर मेरे गांव है। ये थोड़ा यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा, ऊपर एक फेमस टेम्पल है, अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं और मेरी हालत। तो रुद्रपुर से 2 बजे में पहुँचा द्वाराहाट, यानी कि 2 से लेके 8 बजे से लेके 2 बजे तक करीब 6 घंटे इतना टाइम मेरे को लग गया। वो टाइम कम लगता आपको पता ही है, बाइक का टायर पंचर हो गया था। तो उसके बाद बारिश, यहाँ भी बारिश हो रही थी लेकिन मैं यहाँ अभी ज़्यादा भीगा नहीं हूँ। अब ऐसे ही रास्ते चलते पैदल चलते चलते जाना पड़ेगा गांव, फिर जा रहा हूँ अपने घर आज। और मेरा जो पूरा बैग है ना, ये पूरा दवाइयों से भरा हुआ है। मैं जो पेट्रोल टैंक बैग को दवाइयाँ भर के लेके आया हूँ। तो ये मेरा घर है, इसमें इस साइड जो है पोर्शन, एक साइड वो पुराना वाला है जो पुराने रीति रिवाज से बना हुआ है और इस साइड है न्यू, और मैं रहता हूँ ऊपर वाले में। जब भी आता हूँ, अभी जैसे कोरोना वाला चल रहा है तो मम्मी पापा वहाँ रहते हैं पुराने वाले में और मैं रहूँगा यहाँ पर, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे। और एक कमरा ऐसे नीचे भी है, उस वाले मकान में करीब 4 कमरे हैं और इसमें ऊपर नीचे 2 हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। यह है कुछ ऐसा, एक चारपाई यहाँ पर लगी है, एक चारपाई यहाँ पर लगी है और यह कुछ सोफा लगा हुआ है यहाँ पे। कभी कोई मेहमान आ गया तो इधर ही आके बैठ जाते हैं, और मेरे जितने दोस्त आते हैं मेरे साथ कभी घूमने के लिए तो वो इसी कमरे में रुकते हैं। हम लोग सोफे को पीछे दबा देते हैं और सारा बिस्तर नीचे बिछा देते हैं। दो लोग चारपाई पर सोते हैं और 4-5 लोग आराम से बिछा देते हैं। बहुत बड़ा है रूम मेरा। लेकिन सो गाइस, ये सब कुछ था मेरे आज के ब्लॉग में, कैसे कैसे मैं आया आपको मैंने दिखा दिया, अपना पूरा गांव भी मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे आप अगर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा अमूमन पहाड़ों के वीडियो आपके पास लेके आते रहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन से डेस्टिनेशन आपके घूमने लायक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।